नमस्कार, मैं गिरजेश चौहान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत एमपी हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वोकेशनल कोर्स वेब डिजाइनिंग के सिलेबस के अनुसार बने इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एचटीएमएल लिस्ट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एचटीएमएल प्रोग्राम बनाने के लिए मैं खोल रही हूँ एक टेक्स्ट एडिटर, उदाहरण के लिए नोटपैड, और नोटपैड में टैग्स डाल रही हूँ कुछ ऐसे जैसे कि HTML, देन हेड। जरूरी नहीं कि मैं हेड टैग डालू ही, चाहिए तो आप डायरेक्ट बॉडी से शुरुआत कर सकते हैं। तो हेड बनाया मैंने, मान लीजिए उसका टाइटल बनाया, टाइटल दिया ये, देन इसको बंद करने के बाद स्लैश हेड, मतलब हेड भी क्लोज किया, फिर शुरू करी बॉडी। बॉडी में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं लिस्ट की। तो लिस्ट होती हैं तीन प्रकार की, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम टैग यूज करते हैं ओएल का, और इसमें लिस्ट आइटम बनाने के लिए हम li टैग का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए मैं कुछ कोर्सेस की बात कर रही हूँ, जैसे कि BA एक आइटम हुआ, देन इसको मैंने किया स्लैश li। अगला लिस्ट आइटम है BCom, इसको किया स्लैश li। वैसे ही मैं चाहती हूँ BSc, BCA ऐसे कुछ कोर्सेस यहाँ डाल दूं, तो यहां मैंने डाल दिया BCA और यहां डाल दिया BSc। इन लिस्ट आइटम्स को क्लोज करने के बाद मैंने किया स्लैश ol, स्लैश जरूर लगाना है एक टैग को बंद करने के लिए, एंड देन स्लैश बॉडी और लास्ट में स्लैश HTML। यहां एक और बात कह दूं कि आपको शायद ये लगे कि आपका कई बार काम जो है बिना स्लैश li, बिना स्लैश ol, स्लैश बॉडी, स्लैश html के चल जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कोई गलती नहीं हुई और वेब पेज पे आउटपुट दिख चुका है। लेकिन हम ये वोकेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं और वोकेशनल कोर्स में काफी जरूरी है कि अगर हम स्किल्स सीख रहे हैं तो उन स्किल्स को डीप से समझें कि हम स्टैंडर्ड्स पे ही हमेशा काम करें। हमें यदि वेब डिजाइनर बनना है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि काम चलाऊ काम हो गया, बल्कि स्टैंडर्ड ये बोलते हैं कि अगर एक टैग शुरू हुआ है तो इट मस्ट बी एंडेड। तो इसलिए हम लोगों की आदत हमेशा ही स्टैंडर्ड से ही चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि काम चलाओ बिना स्लैश li के भी, क्योंकि आपको यही आउटपुट लगेगा, तो आपको लगेगा कि मैडम फालतू काम कर रही है, इससे अच्छा तो हम बिना उसके भी कर लेते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को मैं सेव कर रही हूँ डी ड्राइव में, वोकेशनल ट्यूटोरियल नामक फोल्डर में, lists.html नाम से सेव किया मैंने। फिर मैं पहुंची क्रोम पे, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट मेन्यू दबाया, वहां लिखा क्रोम। क्रोम पे मैं इसलिए पहुंच रही हूँ क्योंकि मैंने एक .html पेज बनाया है, मतलब एक वेब पेज बनाया है, और इसका आउटपुट देखने के लिए मैं दबा रही हूँ कंट्रोल ओ और फाइल खोल रही हूँ लिस्ट्स। तो यहाँ देखें, क्योंकि मैंने वहां ol ordered list बोला था, तो यहाँ पे नंबर्स आ गए हैं लिस्ट में। और वहीं यदि ये काम मैं इतना टेक्स्ट कॉपी कर रही हूँ और फिर से दे रही हूँ, लेकिन इस बार ol की जगह टैग यूज कर रही हूँ ul, सेव किया, यहाँ आई और फिर से रीलोड दबाया। तो देखें, ये है एक ऑर्डर्ड लिस्ट और ये है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है आपको बुलेट्स में चीज दिखने वाली है, वहीं ऑर्डर्ड का मतलब है आपको 1, 2, 3, 4 एक नंबरिंग के फॉर्मेट में ऑर्डर आपको मिलेगा लिस्ट में। तो हमने बनाई ol, ul, एंड देन हम एक और टाइप की लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, विच इज डेफिनेशन लिस्ट। तो DL से होती है इसकी शुरुआत और यहाँ पे li टैग नहीं होते। DL के अंदर दो प्रकार के टैग्स होते हैं, एक होता है डिफाइंड टर्म,
डेफिनेशन जब आपके पास बहुत सारी हो, जैसे कि कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीजों की मुझे डेफिनेशंस देनी है, तो मैं चाहूंगी कंप्यूटर थोड़ा बोल्ड में लिखती अच्छे से और उसके बाद उसकी डेफिनेशन दे देती। तो मैंने लिखा डीटी एंड डीटी ये डिफाइंड टर्म है, फिर इस डेफिनेशन, इसका डिफाइंड डिस्क्रिप्शन जो है वो ये है दैट इट इज अ बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एंड देन बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में मैं जो भी टेक्स्ट लिखना चाहूँ वो लिख सकती हूँ, कि ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड आप इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे टाइप के कोर्स यहाँ कर सकते हैं। तो ये हुआ डिफाइंड डिस्क्रिप्शन। तो बिल्कुल ऐसे ही अब मैं क्या करने वाली हूँ, डिफाइंड टर्म यूज कर रही हूँ यदि मैं बी कॉम, यहाँ पे स्लैश डी टी किया मैंने, देन कॉपी कर लिया था मैंने, इसको कर दिया बैचलर ऑफ कॉमर्स, एंड यहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड जो भी चीज मुझे लिखनी हो वो मैं लिख सकती हूँ। तो ये लिखा मैंने, देन डी टी, अगला डिफाइंड टर्म है यदि बी सी ए, तो ये, एंड उससे रिलेटेड डिफाइंड डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने कुछ ऐसा लिखा। राइट, यहाँ पे मैंने लिखा बी सी ए, सॉरी, और उससे रिलेटेड आपको जो भी टेक्स्ट लिखना था वो हमने यहाँ लिख दिया। देन अगला डिफाइंड टर्म आया बी एस सी, ये सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी डिफाइंड टर्म और डिफाइंड डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार का टेक्स्ट लिखना हो कि एक चीज बोल्ड करनी है और उससे रिलेटेड चीज फिर लंबी चौड़ी लिखनी है, तो आप डी टी और डी डी टैग का यूज कर सकते हैं, विच इज ऑलवेज इनक्लोज्ड अंडर डी एल टैग, तो हमने वो किया है। देन मेरे पास क्योंकि कॉपीड है टेक्स्ट, तो मैं उसी को यूज करती जा रही हूँ। मान लीजिए इसको मैंने बना दिया बैचलर ऑफ साइंस, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट था मेरा, मान लीजिए मैथ्स, बायोटेक, बॉटनी, माइक्रोजूलॉजी, हर प्रकार का जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, ये तो मैं सिर्फ एक उदाहरण समझा रही हूँ। फाइनली मैंने इसको फाइल में जाके सेव किया, कंट्रोल एस दबाया, और अब मैं देखना चाहती हूँ इसका आउटपुट। तो लिस्ट फाइल हमारे पास खुली हुई है, वहीं पर मैं इसे कर रही हूँ रीलोड। तो ये देखें, आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये है डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट का हमेशा यही प्रकार होता है। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई टेक्स्ट चाहिए, उदाहरण के लिए बीए में टेक्स्ट थोड़ा बड़ा देते हैं, चलिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ बार बार, मान लीजिए इतना टेक्स्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया, सेव किया, तो यहाँ देखें कि इस टाइप से आपकी डिफाइंड टर्म आ जाएगी एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो जब भी हमें कुछ इस टाइप का चाहिए वो, तो हम उससे यूज कर सकते हैं। लिस्ट टॉपिक में ही पूरा कंटिन्यू करना चाहूंगी मैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के भी डिफरेंट टाइप्स को, इन टैग्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को। तो ये बनाई थी हमने एक फाइल, नाम रखा था लिस्ट। अब मैं इसी फाइल को सेव एज क्लिक कर रही हूँ और नाम रख रही हूँ ऑर्डर्ड अंडरस्कोर लिस्ट्स डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम एल कभी ना भूले, वरना ये एक नोट पैड टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। तो इसमें मैंने लगाया डॉट एच टी एम एल, देन ये जो यू एल और डी एल वाला पार्ट है ये मैं मिटा रही हूँ, और अब हम थोड़ा सा शोध करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ओ एल पे। इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ थोड़ा लंबा चौड़ा, इसलिए बिकॉज अब इस ओएल टैग के साथ हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला एट्रीब्यूट मैं यूज कर रही हूँ, एट्रीब्यूट तो एक ही है टाइप, उसके साथ वैल्यू यूज कर रही हूँ वन। तो यहाँ पे मैंने दिया है वन, देन यहां मैं दे रही हूँ ए स्मॉल लेटर्स में, देन यहां दे रही हूँ कैपिटल लेटर्स में एल ए, देन यहां दे रही हूँ स्मॉल लेटर्स में आई, और यहां दे रही हूँ कैपिटल आई। फिर एक और
ओएल भी चाहिए मुझे, ताकि अपन अंतर समझ सकें कि अगर मैंने बिना टाइप का बनाया था तब हुआ क्या था। तो टोटल मिला के ओएल की जो टाइप प्रॉपर्टी होती है उसकी 5 वैल्यूज हो सकती हैं। दोस 5 वैल्यूज आर स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, स्मॉल आई एंड कैपिटल आई, एंड देन अच्छा कुछ नहीं रहा, आई थिंक बीच में एक टैग हमारा खाली छूट गया बिना टाइप का, मैं ये मिटा रही हूँ। हाँ जी, तो आई और कैपिटल आई, ए और कैपिटल ए, और सबसे पहले हमने लिखा है टाइप इक्वल्स टू 1, तो इसको मैं कर रही हूँ सेव। एंड देन यहाँ आके इस बार फाइल का नाम लिस्ट नहीं है, तो इसको रीलोड करने से कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि मुझे ओपन करनी पड़ेगी फाइल ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब देखें जरा, टाइप जब मैंने 1 दिया तो आपका जो टेक्स्ट है वो आया 1 2 3 4, देन टाइप दिया एबीसीडी तो सॉरी टाइप दिया ए तो आया एबीसीडी। तो शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में जब मैं लिख रही हूँ तो यहाँ देखिए मेरा लोअर रोमन अपर रोमन सब कुछ बन चुका है। और लास्ट में आपको ध्यान हो तो मैंने एक ओएल खाली छोड़ा था जिसमें कोई टाइप नहीं था, तब भी वो 1 2 3 4 आया। इसका मतलब अब आप समझ सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो अपने आप टाइप आता है वो 1 2 3 4 होता है। तो आप टाइप इक्वल्स टू 1 लिखें या ना लिखें, वो 1 2 3 4 का आउटपुट देगा ही देगा आपको, क्योंकि आपने टैग ओ एल का यूज किया होगा। तो ये था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। आइए अब अनऑर्डर्ड लिस्ट और देखें। डिफाइन लिस्ट जो हमने देखी, डेफिनेशन लिस्ट उतनी ही होती है, डीएल डीटी और डीडी, उसमें वही 3 चीजें होती हैं। लेकिन ओएल में टाइप प्रॉपर्टी जो है, टाइप जो एट्रीब्यूट है, उसकी 5 वैल्यूज होती हैं, 1 ए ए आई आई, और वैसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो आइए वो देखते हैं। इस फाइल को मैं सेव एज कर रही हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट .html नाम से, और यहाँ पर टैग बदल रही हूँ, ol की जगह रख रही हूँ ul। तो 3 टाइप्स होते हैं इसके, 3 टाइप की वैल्यूज होती है, तो वो और एक हम रख देंगे खाली ul, उसके लिए स्लैश ul कर रही हूँ, और बाकी जितने ols हैं वो मैं मिटा रही हूँ यहाँ से। अब इसकी जो टाइप प्रॉपर्टी है, इसकी 3 वैल्यूज हो सकती हैं। दोज वैल्यूज आर डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। तो हमने ये 3 चीजें दी और एक ul खाली रखा, ताकि हम ये समझ पाए कि बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट यदि आप कोई टाइप नहीं लगाते हो तो वो कैसा आउटपुट देता है। प्रोग्राम को किया सेव आई क्रोम पे, यहाँ किया कंट्रोल ओ और फाइल खोली अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ देखें आपको जो प्रकार दिख रहे हैं उसमें डिस्क है, ये सर्कल है, मतलब कि वही जो सर्कल है डिस्क में फिल्ड हो जाता है, यहाँ पे वो एम्प्टी रहता है, देन स्क्वायर है, और जो बिना टाइप की चीज दी मैंने उसमें भी डिस्क बनी। इसका मतलब जो बाय डिफॉल्ट टाइप होता है लिस्ट का वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप डिस्क। तो ये था हमारा एक लेक्चर जिसमें हमने लिस्ट से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी कि ये 3 प्रकार की होती हैं, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन। ऑर्डर और अनऑर्डर्ड में li टैग कॉमन होता है, ऑर्डर्ड में टाइप नंबरिंग के अकॉर्डिंग होती है, अनऑर्डर्ड में टाइप शेप के अकॉर्डिंग होती है, और जो डेफिनेशन लिस्ट है उसमें टाइप टाइप का कोई एट्रीब्यूट नहीं देखा हमने, बल्कि उसमें टैग्स 2 होते हैं, dt डिफाइन टर्म एंड dd डिफाइन डिस्क्रिप्शन। तो ये था HTML लिस्ट से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर। मिलते हैं अगली किसी क्लास में और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।